हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको सिंगल कलर की ये जाली वाली डिजाइन बताने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी डिजाइन, बहुत ही जल्दी बनने वाली डिजाइन, और ये डिजाइन चार सिलाइयों में कंप्लीट हो जाती है। तो ये जाली है, जाली वाली डिजाइन को आप चाहें तो कार्डिगन में अपने बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप इसका ब्लाउज बना सकती हैं डिजाइन में, ब्लाउज अगर आप फ्रंट बैक ना बनाए तो इसका स्लीव बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी जाली वाली डिजाइन। और शॉल बनाइए, मफलर बनाइए, तो ये कई प्रोजेक्ट में आपको जाली वाली डिजाइन की जरूरत पड़ती है, तो ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए, इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से इस तरह से ये दिखता है। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये डिजाइन बन जाती है। इसको बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए, प्लस टू एज स्टिच कर लीजिए या किनारों के लिए। तो मैंने इसमें टोटल 47 फंदे रखे हैं, 5 × 5 × 5 प्लस टू किनारे किनारे का। तो ये देखिए, ये जो हमारी डिजाइन है ये है 3 फंदों की डिजाइन, बीच में मैंने 2 फंदे की गैपिंग रखी है। आपको अगर थोड़ा और ये जाली कम चाहिए, ये पैटर्न और घना चाहिए या दूर चाहिए, तो आप ये जो बीच में गैपिंग है ये 4 फंदे 5 फंदे की भी रख सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी 4 लाइनों में बनने वाली ये डिजाइन है। 2 लाइन आपका बेसिकली प्लेन रहेगा और तीसरे सिलाई में ये डिजाइन बनेगी। और रॉन्ग साइड से सेम पैटर्न बनेगा, रॉन्ग साइड से हमारा एक ही जैसा हर बार जाएगा और राइट साइड से हमारा चेंज होता रहेगा। तो ये देखिए, यही सेम पैटर्न मैंने ये व्हाइट कलर में बनाया है, सेम पैटर्न है, लाइट कलर इसलिए ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो ये देखिए, इसके जस्ट ऊपर मैं आपको बना के बताऊंगी। तो इस डिजाइन की पहली लाइन हम बनाते हैं। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार के उल्टा बीनेंगे, ऊन पीछे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 फंदा एक्स्ट्रा रखा है, किनारे का जो है वो मैंने नहीं रखा है। आप चाहें तो किनारे के लिए एक्स्ट्रा फंदे रख सकती हैं, लेकिन पैटर्न समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, 3 सीधा, ऊन आगे, किनारे मैंने 2 उल्टा बीना, फिर 3 सीधा। अब ये देखिए, 2 उल्टा 3 सीधा, पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। 2 उल्टा 3 सीधा, 2 उल्टा 3 सीधा, 2 उल्टा ये 3 सीधा, पूरी सिलाई हमारी इसी तरीके से। ये देखिए, 3 सीधा, 2 उल्टा 3 सीधा, 2 उल्टा 3 सीधा, 2 उल्टा 3 सीधा, और लास्ट में देखिए, स्टार्टिंग में हमने 2 उल्टा रखा था, लास्ट भी हमारा 2 उल्टा। अब राइट साइड से, सॉरी रॉन्ग साइड से, अब हमारा जो पैटर्न है उधर से जो उल्टा था वो इधर से सीधा हो जाएगा और जो उधर से सीधा था इधर से उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा सीधा, ऊन आगे। अब ये हम करेंगे 3 उल्टा, ऊन पीछे, 2 सीधा, ऊन आगे, 1 2 3 उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 सीधा, 1 2 3 उल्टा, 1 2 सीधा। तो पूरी सिलाई रॉन्ग साइड से हमारा सीधे के उल्टा हो जाएगा। सीधे साइड से हमने 2 उल्टा 3 सीधा बीना था और उल्टे साइड से हम 2 सीधा और 3 उल्टा बीनेंगे। स्टार्टिंग हमने 2 सीधे से किया है,
तो दो सीधा तीन उल्टा पूरी ये हमारी सिलाई जाएगी। सेकेंड रो है ये इस डिजाइन की, ये देखिए तीन उल्टा दो सीधा। तो ये मेरा जाली वाला जो डिजाइन है इसका दूसरा लाइन है यानी सेकेंड रो रॉन्ग साइड से। ये देखिए तीन उल्टा और लास्ट में ये दो सीधा। तो ये देखिए रॉन्ग साइड हमारी इस तरह से बन गई। अब थर्ड रो मेरा बेस है इस डिजाइन का। थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार के दूसरा उल्टा बिन लेंगे, ऊन पीछे करेंगे। अब ये जो तीन फंदे हैं इसको हम तीन का एक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जाली के लिए ऊन सिलाई पे लपेट लेंगे। अब एक दो तीन, इन तीन फंदों को ऐसे पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे की तरफ ऐसे करके तीन का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए तीनों फंदों को गिरा दिया। अब आगे हम बीनेंगे दो उल्टा, तो ये देखिए ऊन आगे करेंगे और ये जाली के लिए इस पे फंदा लपेट लेंगे। अब दो उल्टा बीनेंगे, एक दो, ऊन पीछे, इसको फिर से ऐसे लपेट लेंगे पहले सिलाई पे जाली यार्न ओवर। अब देखिए एक दो तीन, इन तीन फंदों को ऐसे पीछे की तरफ करके तीन का एक कर देंगे, ऐसे गिरा दिया तीनों फंदा। ऊन आगे करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और दो उल्टा, ऊन पीछे, यार्न ओवर। अब ये देखिए तीन फंदे जो हमारे हैं, तीन का एक हमको करना है, इसके पहले भी और इसके बाद भी हम ऊन सिलाई पे लपेट लेंगे, जाली बना लेंगे या यार्न ओवर कर लेंगे, एक ही बात है। तो ऐसे हमने ऊन लपेट लिया। अब इन तीन फंदों को एक संग हम इस तरह से तीन का एक कर देंगे, ऊन आगे करेंगे, इसको सिलाई पे ऐसे फंदा लपेट के फिर दो उल्टा, ऊन पीछे, सिलाई पे फंदा लपेट लीजिए इस तरीके से। अब तीन का एक करेंगे इस तरह से, तीनों फंदों को एक संग हम बेन देंगे, ऊन आगे, सिलाई पे ऐसे फंदा लपेट लेंगे, एक दो, ऊन पीछे, ऐसे ये तीन का एक पीछे की तरफ, ऐसे ऊन आगे, ये लपेट लिया, एक दो उल्टा, ऊन पीछे, सिलाई पे फिर से फंदे लपेट के एक दो तीन एक साथ, ये देखिए तीनों को एक संग ये पीछे की तरफ ऐसे लेके तीन का एक हम ऐसे कर देंगे, ऊन आगे, सिलाई पे ये फंदे लपेट के यार्न ओवर, एक दो उल्टा, उन पीछे, फिर ये यार्न ओवर कर लेंगे, एक दो तीन, तीनों को एक साथ इस तरह से हम बिन देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से उन आगे ये इस तरह से लपेट के एक दो उल्टा, उन पीछे, सिलाई पे लपेट के अब एक दो तीन, इसको हम पीछे से ऐसे बिन देंगे, ये देखिए ऊन आगे, फिर से ऐसे यार्न ओवर, एक दो, ऊन पीछे, यार्न ओवर, एक दो तीन, इसको पीछे की तरफ इस तरह से ऐसे, ऊन आगे, यार्न ओवर और लास्ट का ये दो फंदा उल्टा। ये हो गई तीसरी सिलाई हमारे डिजाइन की। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिजाइन का पैटर्न आया है इस सिलाई में। अब रॉन्ग साइड से हम फिर वही बीनेंगे जैसा हम बिनते आ रहे हैं। पहला फंदा उतार के दूसरा सीधा, ऊन आगे। अब देखिए ये जाली है, ये फंदा हमने जो तीन का एक किया है, यहां जाली है, यहां जाली है, इसको भी हम ऐसे उल्टा बिन लेंगे, ऊन पीछे। अब ये जो दो सीधा इधर से ये सेम जाएगा, जो सीधी साइड से हमारा दो उल्टा है वो, ये देखिए अब ये जाली, ये जो तीन का एक किया है हमने,
और ये जाली, तीनों को हम उल्टा बिन लेंगे, ऊन पीछे, दो सीधा, ऊन आगे, तीन उल्टा। ये चौथी सिलाई है हमारे डिजाइन की, ऊन पीछे, एक दो, एक दो तीन, एक दो सीधा, ऊन आगे, ये जाली वाला फंदा, ये तीन का एक जो हमने किया है, और फिर ये जाली जो यार्न ओवर हमने किया था, दो सीधा। रॉन्ग साइड से हमारा यही पैटर्न रहेगा, दो सीधा तीन उल्टा। तो ये जाली वाला फंदा, ये बीच का फंदा और ये जाली, ये तीनों मिला के तीन फंदे उल्टे हो गए, दो सीधा, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन उल्टा, और ये लास्ट में दो सीधा। ये हमारी चार सलाइयों की डिजाइन कंप्लीट हो गई। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डिजाइन है, एक के ऊपर एक ये जाली वाली डिजाइन बनी है। अब आगे बनाने के लिए आपको फिर वही दो उल्टा तीन सीधा, दो उल्टा तीन सीधा, पहली सिलाई में उल्टे तरफ से सेम रहेगा, दो सीधा तीन उल्टा। तीसरी सिलाई में हम ये जाली डालेंगे और ये तीन का एक करेंगे, चौथी सिलाई फिर हमारी सेम। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगी और ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए बाय।